एक समुन्दर के किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी। उसका नाम गोरे गांव था। बस्ती में ज्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे। उनमें गोविंद नाम का एक मछुआरा भी था। गोविंद आए दिन समुन्दर में जाकर मछलियां पकड़ता था। गोविंद को पत्नी और बबलू नाम का एक बेटा था। एक बार उस समुन्दर में एक बड़ी मछली आई। वो नावों को नाश कर रही थी। उससे बचकर पानी में तैरने वालों को वो निंगल के खाने लगी। इससे मछुआरे मारे डर के मछली पकड़ना बंद कर दिए। इस वजह से उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। एक बार गोविंद मछली पकड़ने के लिए जाने लगा तो उसकी पत्नी, ओ जी मत जाइए, भूख लगे तो पानी पीकर तो भी पेट भरेंगे, मगर आप शिकार को जाकर अपनी जिंदगी गवा मत बैठना, मेरी बात सुनो, बोली गोविंद। ऐसे ही डरते हुए बैठे रहे तो हम भूख से ही मरेंगे। बेचारे बबलू को खाना खा के 4 दिन हो रहे हैं। चाहे जो भी हो, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, कहकर जाने लगा तो बबलू भरी आंखों से देखने लगा। गोविंद के नाव को वो मछली टक्कर मारी। गोविंद उछलकर पानी के अंदर गिर गया। मछली उसका पीछा करने लगी तो वो जान बचाने के लिए तैरने लगा। मछली उसका पैर पकड़कर काट दी। उसका पैर कट गया। वो अपनी जान बचाकर घर आया। गोविंद अपाहिज बनकर घर में ही रह गया। उसे देखकर पत्नी और बेटा बहुत दुखी हो रहे थे। एक बार उस देश की राजकुमारी को एक बीमारी हुई। वो कम नहीं होने के कारण राजवैद्य महाराज से, महाराज लगता है राजकुमारी को पिंडारी बीमारी हुई है, ये उतनी आसानी से कम नहीं होगी, इसकी दवा जमीन पे पानी के अंदर कहीं नहीं मिलेगी, कहा महाराज। तब कहीं नहीं मिलेगी बोल रहे हो, तो क्या करना है वो बताओ, कहकर गुस्से से कहा वैद्य। तब शांत रहिए महाराज, इस बीमारी की दवाई मछली के अंदर मिलेगी, वो भी साधारण मछली नहीं, इंसानों को खाने वाली मछली में मिलेगी, हांगर मछली में भी नहीं मिलेगी, उसे पकाकर खाए तो चाहे जैसी भी बीमारी हो वो तुरंत कम होने के साथ साथ शरीर में चमत्कार होंगे, मगर ऐसी मछली हमें कहाँ मिलेगी, कहा सेनापति। महाराज ढिंडोरा पिटवाएंगे, अगर उसका पता चला तो तुरंत उसे पकड़ेंगे, कहा महाराज। ठीक है कहकर हाथ हिलाया। एक सैनिक गांव में ढिंडोरा पीटकर उस मछली के बारे में सब कुछ बताया। उस मछली का पता बताने वाले को 10,000 चांद के सिक्के देंगे, अगर पकड़कर दिए तो 1,00,000 के सोने के सिक्के देंगे, सुनिए सुनिए, कहकर पुकारने लगा। उसे सुनकर बबलू को एक उपाय सुझा। लगता है उस समुन्द्र की मछली वही है, उसका पता बताए तो सिर्फ चांदी के सिक्के ही देंगे, मगर उसे पकड़े तो सोना देंगे, और ऊपर से उसे खाए तो सबकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा, सोचा। वो तुरंत एक दवाई के दुकान को जाकर दुकानदार से पूछकर तरह तरह के दवाइयां लिया। बाद में एक पानी के डिब्बे में उन दवाइयों को मिलाया। उस डिब्बे को लेकर समुन्दर के पास आया। नाव चलाते हुए पानी के अंदर गया। उसे दूर समुन्दर में वो मछली तैरते हुई दिखी। वो डिब्बे को दोनों हाथों से कस के पकड़कर, आ आ अरे मेरी कलमुही मछली कहेंगी, आओ आओ, कहकर पुकारा। वो मछली आकर उस नाव को टक्कर मार के बबलू के साथ साथ उस डिब्बे को भी निंगल गई। मछली के पेट के अंदर जाते ही बबलू उस डिब्बे के ढक्कन को निकालकर उसके पेट में वो सारी दवाई डाल दिया। बस मछली के पेट में दर्द होने लगा। वो समुन्दर में पागलों के जैसे तैरने लगी। ऐसे तैरते तैरते समुन्दर के किनारे आकर तड़प तड़प कर मर गई। बबलू महाराज को एक बड़ी मछली का टुकड़ा देकर उनका इनाम लिया। बाद में गांव वाले मिलकर उस मछली को एक बड़े से लकड़ी को बांधकर उसे लटकाकर नीचे आग लगाए। उस जले हुए मछली को सबने खाया। उसे खाते ही गोविंद का पैर फिर से वापस आ गया। ये देखकर सब खुश हुए।